अभी हम लोग ने टाइप वन देखा, इंटरवल इंटरवल उसमें था 0 to 2 पाया। अभी टाइप टू देखेंगे। टाइप टू इज बेसिकली इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई ना, मतलब इसके जो इसके लिए जो रिक्वायर्ड बेसिक्स था तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया। अभी इसके आगे का कंटिन्यूशन पार्ट, प्रॉब्लम्स और फॉर्मूलाज बेस कैसे आएंगे। टाइप टू में इंटरवल तो मैंने डिफाइन कर दिया माइनस पाई टू प्लस पाई, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ केसेस बना रहा हूं। ये मेरा हो गया ए जीरो, ए ऑफ एन, बी ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, फोरियर सीरीज कोई भी फंक्शन को डिफाइन करे, इंटरवल कोई भी रहने दो, लेकिन ऑलवेज तीन कॉन्स्टेंट तो हम लोग को ऑलवेज मिलने वाले ना। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और तीन कॉन्स्टेंट है, ए जीरो, ए ऑफ एन, बी ऑफ एन, लेकिन इंटरवल माइनस ए टू प्लस माइनस पाई टू प्लस पाई, तो अलवेज जब भी इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई आएगा ना, तो अलवेज हम लोग फर्स्ट स्टेप इसमें कॉमन रहेगा। स्टेप याद रख लेना तुम लोग, अलवेज तुम लोग ये स्टेप सबसे पहले इस चेक विच टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब क्या हम लोग अलवेज चेक करेंगे कौन से टाइप का फंक्शन है। ये टाइप ए का फंक्शन है, मतलब ये नाइदर इवन नॉर वाला नॉर ऑड वाला केस है, या इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, कैसे चेक करना है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देख लेंगे। लेकिन अलवेज ये टाइप में माइनस पाई टू प्लस पाई में अलवेज फर्स्ट स्टेप होगा चेक करेंगे कौन से टाइप का फंक्शन। अभी इसके फॉर्मूला देखो, फंक्शन नाइदर इवन रहा नॉर ऑड रहा तो अलवेज ए जीरो, ए ऑफ एन, बी ऑफ एन, तीनों के तीनों आंसर, तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसका वैल्यू होगा 0 to 1 upon 2 pi minus pi to plus pi f of x into dx, e of n का वैल्यू होगा 1 upon pi minus pi to plus pi f of x into cos of nx into dx ना, और थर्ड b of n होगा सिम 1 upon pi minus pi to plus pi f of x into sin of nx into dx ना। मतलब मैं पहले इंटरवल के साथ कंपेयर करूं तो तीनों में खाली जो लिमिट्स थे वो लिमिट्स चेंज हो गए ना, बाकी सब कुछ सेम है ना। वहां पे लिमिट्स है 0 to 2 pi, यहाँ पे लिमिट्स है माइनस पाई टू प्लस पाई। ये तो सब कुछ सेम है, वहां पे ए जीरो का वैल्यू था 1 upon 2 pi 0 to 2 pi एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे वैल्यू है 1 upon 2 pi minus pi to plus pi एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ना। तो ये तीनों में जब भी नाइदर इवन नॉट आर और नॉट ऑन वाला केस रहेगा तो फिर तीनों वैल्यूज हम लोग को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी सेकेंड केस, सपोज फंक्शन मेरा जो भी है इवन फंक्शन है, तो फिर ए होता है 1 upon pi 0 to pi एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू होता है ए जीरो का वैल्यू होता है 1 upon pi 0 to pi एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू होता है 2 upon pi 0 to pi एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, और मेरा b ऑफ n का वैल्यू होता है 0। सेकेंड थर्ड केस, सपोज मेरा जो भी फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू हो गया a ऑफ 0 का वैल्यू होता है 0, a ऑफ n का वैल्यू भी 0 होता है, और b ऑफ n का वैल्यू होता है 2 upon pi 0 to pi f ऑफ x इंटू साइन ऑफ nx इंटू dx। ठीक है, फॉर्मूला तुम लोग याद तो कर लोगे, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया कहां से, ये आंसर 0 0 क्यों हुए। इसके लिए मैंने तुम लोग को एक थ्योरम बनाया था, थ्योरम था माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका आंसर होता है 2 into 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स था, लेकिन कंडीशन क्या था, जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स है इट मस्ट बी इवन फंक्शन ना, और इसका आंसर 0 आता है जब मेरा जो भी एफ ऑफ एक्स है
वो और रहता है ना, क्लियर। अभी चेक करते हैं ये वाले केस में, मैंने जो भी एफ ऑफ एक्स एज्यूम किया हुआ है, मतलब बी वाला केस, बी का ए ऑफ एन का, ए ऑफ जीरो का वैल्यू कैलकुलेट करता है। ए ऑफ जीरो नथिंग बट क्या, नॉर्मली कुछ भी रहने दो, तो फिर ये वन अपॉन टू पाई आएगा, जीरो माइनस पाई टू प्लस पर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं जो भी फंक्शन है मेरा इज इवन फंक्शन ना, तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन राइट इट एज वन अपॉन टू पाई कॉन्स्टेंट है ऑलरेडी, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज नथिंग बट होगा टू इंटू जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ना, ये टू टू खटाक हो गया, मतलब आया वन अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कंडीशन क्या था, जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स है इवन फंक्शन होना चाहिए। तो सेम वे में तुम लोग ए ऑफ एन का वैल्यू मिलेगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स। अभी बी ऑफ एन का वैल्यू जीरो क्यों होता है वो देख लेते हैं। अभी मेरा बी नॉर्मली बी ऑफ एन है, बी ऑफ एन इज नथिंग बट होता है वन अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। मेरा एफ ऑफ एक्स है जो मैं एज्यूम कर रहा हूं इवन फंक्शन है ना, और साइन एन एक्स अलवेज होता है ऑड फंक्शन ना, तो इवन इंटू ऑड अलवेज मुझे क्या देता है, जो भी इसका रिजल्टेंट होगा ये अलवेज ऑड फंक्शन होगा ना, और माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मेरा जो भी एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रहेगा अलवेज आंसर क्या आता है जीरो ना, मतलब ये पूरे फंक्शन ऑड हो गया तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा जीरो आएगा ना, मतलब वन अपॉन पाई इंटू जीरो, तो आंसर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा जीरो। मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा फंक्शन इवन है तो मुझे बी ऑफ एन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं ना, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा ना, खत्म हो गया। सेम वे में तुम लोग यहाँ पे और फंक्शन के लिए कर सकते हो, और फंक्शन के लिए कैसे करेंगे एफ ऑफ एक्स, अभी देखो ये मेरा और है ना, तो फिर इसका आंसर डायरेक्टली जीरो हो गया ना, ये मेरा और फंक्शन है और कॉस इवन फंक्शन है ना, तो ऑड इनटू इवन क्या होता है अलवेज गिव मी ऑड ना, और ऑड फंक्शन के लिए मेरा वैल्यू क्या होता है जीरो ना। अभी देखो एफ ऑफ मेरा ऑड है और साइन भी ऑड है, ऑड इनटू ऑड क्या देता है इवन फंक्शन देता है ना, और इवन के लिए क्या होता है टू इंटू जीरो टू है ना, मतलब टू इंटू वन अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरे हो गया फॉर्मूलाज आए कैसे, ये फॉर्मूलाज तुम लोग को याद करने है, एनी हो ये टेबल याद हो गया तो फिर तुम लोग को कभी भी डिफिकल्टीज नहीं होगी, याद रखो कैसे क्यू जीरो हुआ दैट्स इट, और अलवेज माइनस पाई टू प्लस पाई आया तो अलवेज पहला स्टेप तुम लोग का ये होना चाहिए कौन से टाइप का फंक्शन, तब भी जाके ये फॉर्मूला कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो समझ में आ जाएगा।